नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक के इस पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरह से 5-in-1 कम्युनिकेशन बोर्ड का वायरिंग करते हैं। ठीक है, देखिए 5-in-1 कैसे हुआ। एक 2-पिन बोर्ड है, यानी कि इसमें 5 पिन लगता है, एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है और एक स्विच है। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर, कोई भी हाई अप्लायंसेस चीजों में हम लोग यूज करते हैं। इसके कनेक्शन बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। इसके लिए हम लोग को कुछ सामान का जरूरत पड़ेगा। आपके पास अगर एक पेच का सो तो काफी है। इसका जो टिप होने वाला है वो माइनस होने वाला है। ठीक है, एक कटर वायर कटने के लिए और स्क्रू स्क्रू टाइट करने के लिए। अगर आप कंसोल बोर्ड में फिक्स करेंगे तो आपको जो ब्रश का स्क्रू आता है वही काफी है। ठीक है, आपको सिर्फ मैं कनेक्शन सिखाने वाला हूँ। इस तरह से कुछ वायर हम लोग यूज करने वाले हैं। अब मेन कनेक्शन में आते हैं। इस तरह से आपको बोर्ड मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। ऊपर जो है ये है फ्यूज, ठीक है, उसका बाद इंडिकेटर, उसका बाद यह है स्विच और यह है सॉकेट। यहाँ पर है लाइव, यहाँ पर है न्यूट्रल। यहाँ पर न्यूट्रल हम लोग इंडिकेटर में कनेक्शन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर बीच में आप लोग देख रहे हैं इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर में कनेक्शन करने वाला है, इसके साथ न्यूट्रल यहाँ पर है तो मेन से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर मेन जो है फेस वो यहाँ पर आएगा। यहाँ से एक वायर निकलेगा, इसे यहाँ पर कनेक्शन आएगा। ठीक है, देन वहां से स्विच में आएगा, स्विच से एक पार्ट होके यहाँ पर आएगा और एक न्यूट्रल देंगे। कनेक्शन कम्प्लीट, एकदम सिंपल है। लेट्स, यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले ब्लैक कलर का वायर एज ए न्यूट्रल। जो ग्रीन कलर का पतला वायर देख रहे इसे हम लोग यूज करेंगे अर्थिंग। अर्थिंग के लिए हम लोग ग्रीन यूज करते हैं नॉर्मली। और ये जो है एक फेस कंडक्टर है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे येलो कलर का वायर। मिनिमम स्क्वायर 2.5 mm हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप 1.5 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो रेफ्रिजरेटर है बहुत ही एफिशिएंट है, आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वायर ले लेंगे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा वायर ले लेंगे कनेक्शन के लिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं कनेक्शन में। लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका स्विच का कनेक्शन करने वाला। ठीक है, स्विच नहीं, सबसे पहले हम लोग कनेक्शन करने वाले इंडिकेटर का। ठीक है, ट्विस्ट करेंगे, ये सब मेन से फ्यूज से है, यहां पर लाइन का कनेक्शन आएगा। इसको हम लोग टाइट कर देने वाले से हम यहीं तक लेंगे। ठीक है, यहां पर कट कर लेंगे। अच्छे से ट्विस्ट करेंगे तो बहुत इजीली है फिक्स्ड हो जाएगा। देखिए एक तरफ कनेक्शन हो गया।
कोई भी कंडक्टर के बगैर दूसरा में कनेक्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग फेज लेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं। फेज हो गया, अभी आते हैं न्यूट्रल अर्थिंग। अर्थिंग के लिए हम लोग यहाँ से सिंपल से इसको ट्विस्ट करेंगे, तो काट लेंगे छोटा करके ताकि कहीं पर भी स्पॉट ना हो। इसको हम लोग देखिए निकाल देंगे। अभी आते हैं न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ से और एक वायर काट ले रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए कुछ हाई वोल्टेज तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जस्ट इंडिकेटर है। आप चाहे तो इंडिकेटर का कनेक्शन छोड़ भी सकते हैं। सिंपल से इसको इस बोर्ड में हम लोग फिक्स करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग वायर को अच्छी तरह से यहाँ पर पकड़ के इस ग्रुप में घुसाएंगे, देन हम लोग अभी इसको बैठाएंगे। बहुत ही इजीली बैठ जाएगा। हम लोग दो कॉर्नर में छोटा 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 नाट देखिए, अरे हिलने दिलने वाला नहीं है। अभी आपको लाइन चेक करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए हम लोग अभी इसको चेक करके देखते हैं। देखिए लाइन आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। अभी हम बोर्ड में चेक करके देखते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर कोई लाइन नहीं आएगा। इस तरह से कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका रिलेटेड कोई भी अगर अलग से वीडियो चाहिए, कोई अलग से बोर्ड कनेक्शन या वॉल बेल या कोई अलग से चीज कनेक्शन कैसे करें, उसके बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।